नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूँ। देख पा रहे होंगे, डेलर आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1995 में, 1997 में, 1996 में, 1998 में। तो दोस्तों, डेलर आयोग की स्थापना 1996 में हुआ था। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया? संविधान में संशोधन करके कुछ न कुछ चेंजिंग किया जाता है, तो यह कौन सा संशोधन था जिसमें शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया? 86वें जो संविधान संशोधन था, इसके अंतर्गत आपका शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, जॉन एडम्स का, किलपैट्रिक का, इनमें से कोई नहीं। URCC है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड दोस्तों, URCC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड है। समाज है रिश्तों का नेटवर्क, रिश्तों की एक डोर, रिश्तों का अंतर, इनमें से सभी। तो दोस्तों, समाज रिश्तों का एक नेटवर्क है, समय तालिका से छात्रों में आती है, समय तालिका से बच्चों में क्या आती है? समय का महत्व समझने की शक्ति, कर्तव्य प्राणता, नियमितता। तो ये सभी आता है। जब समय तालिका बनती है तो बच्चे समय के महत्व को समझते हैं, कर्तव्य अपना कर्तव्य को समझते हैं और नियमित हो जाते हैं वो बच्चे। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वह या तो देवता है या पशु, यह कथन है अरस्तु का, सुकरात का, प्लेटो का, प्राविल का। तो यह कथन अरस्तु का है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का संबंध है NCF 2005 से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, RTE अधिनियम या इनमें से सभी का। तो दोस्तों, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन NCF 2005 से संबंध रखता है, NCF 2005 एक दूसरा टॉपिक भी बन सकता है कि यह किस पर केंद्रित था। तो यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित था, अर्थात शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण अधिगम इस पर, ये NCF इस पर बल दे रहा है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? IKCA, IKCB, IKCA, 22B, 22A। तो ये IKCA से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना है। सार्वभौमिक शिक्षा एवं लैंगिक समानता को विश्व के कितने देशों ने अपनाया है? ये 188, 189, 170, 178। तो ये आपका राइट आंसर है। तो थैंक्स दोस्तों।